नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ये जो ट्रेन है वेरावल जंक्शन गुजरात से अहमदाबाद जंक्शन के बीच में रोजाना चलेगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है, वैसे सोमनाथ एक्सप्रेस ही है अभी, जो ये कोरोना की वजह से जो है सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जा रहा है। इसका ट्रेन नंबर है 0-92-58 और ये जो ट्रेन है 21 जनवरी से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और इसकी बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये जो ट्रेन है वेरावल जंक्शन से जैतलसर होती हुई ये जो ट्रेन है राजकोट जंक्शन, वनखानेर जंक्शन, सुरेंद्र नगर जंक्शन, विरंगम जंक्शन होते हुए ये अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करेगी। अगर ट्रेन के अन्य डिटेल्स के बारे में बात करें तो 7 घंटे 50 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 432 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। आगे हम बात करेंगे सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का टिकट किराया बताऊँगा वो वेरावल जंक्शन गुजरात से अहमदाबाद जंक्शन गुजरात तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। ये जो ट्रेन है सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, इसमें सेकंड एसी के कोच है जिसका किराया जो बनता है वो है 970 रुपये, जिसमें 828 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 47 रुपये है और टोटल किराया जो सेकंड एसी का वेरावल से अहमदाबाद तक का बनता है वो है 970 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये सही और अपडेटेड किराया है, आपसे किसी भी वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले। थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 700 रुपये, जिसमें 551 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 34 रुपये है और टोटल अमाउंट जो इसकी बनती है वो 700 रुपये है। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये थर्ड एसी का है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। वेरावल जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन तक का जो स्लीपर क्लास का किराया है वो है 275 रुपये, जिसमें 225 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है और टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 275 रुपये। इसके अलावा सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों में अगर आपने कोविड-19 के टाइम पे अगर आपने इसमें ट्रैवल करना है तो आपको विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं ट्रैवल कर सकते, विथ रिजर्वेशन जो इसका किराया है वो है 165 रुपये। ये रिजर्वेशन आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर करवा सकते हैं, वहाँ से टिकट किराया जो है कन्फर्म जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं वेरावल जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन तक कौन कौन से स्टेशन हैं। सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 0-92-58 वेरावल जंक्शन गुजरात से ये ट्रेन जो है 21 जनवरी 2021 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और रात के 9:50 पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 7 घंटे 50 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुंचेगी। वेरावल जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है VRL। इसके बाद चोरवाड़ रोड में ये ट्रेन जो है रात के 10 बजे पहुंचेगी और 10:01 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। चोरवाड़ रोड का जो स्टेशन कोड है वो है CVR। इसके बाद मिलियाना हटियाना स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 10:15 पर पहुंचेगी और 10:16 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है MLHA। इसके बाद ये ट्रेन जो है केशोद स्टेशन में पहुँचती है रात के 10:21 पर और 10:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। केशोर स्टेशन में तक की जो दूरी है ये 47 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KSD। केशोर स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है जूनागढ़ जंक्शन में पहुंचती है। जूनागढ़ जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:08 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है GND। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकेगी और तकरीबन 82 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन जैतलसर जंक्शन में रात के 11:33 पर पहुंचेगी और 11:38 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 108 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है JLR। इसके बाद ये ट्रेन जो है
सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो नवागढ़ गुजरात में पहुंचेगी रात के 11:50 पे और 11:51 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 114 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है NUD और इसके बाद ये ट्रेन जो है वीरपुर स्टेशन में पहुंचेगी। वीरपुर स्टेशन में इसका पहुंचने का समय है रात के 12:03 पे और 12:04 पे वहां से रवाना हो जाएगी। वीरपुर का जो स्टेशन कोड है वो है VRR। वीरपुर गुजरात में ये एक मिनट के लिए रुकेगी, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकेगी और 127 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वीरपुर के बाद ये अपने 9वें स्टेशन गोंडल स्टेशन में पहुंचेगी, जिसका स्टेशन कोड है GDL। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 12:20 पे पहुंचेगी और 12:21 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है, 144 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और गोंडल के बाद ये ट्रेन जो है भक्ति नगर गुजरात में पहुंचेगी। सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है भक्ति नगर गुजरात में ये ट्रेन जो है रात के 1:05 पे पहुंचेगी और 1:06 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी जो है ये वेरावल से भक्ति नगर तक कवर कर चुकी होगी और भक्ति नगर का जो स्टेशन कोड है वो है PKNG। इसके बाद ये ट्रेन जो है सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो राजकोट जंक्शन गुजरात में रात के 1:18 पे पहुंचेगी और 1:23 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 185 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और राजकोट जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है RJT। इसके बाद ये ट्रेन जो है वनखानेर जंक्शन गुजरात में पहुंचेगी, रात के 2:13 पे पहुंचेगी और 2:14 पे वनखानेर जंक्शन गुजरात से रवाना हो जाएगी। वनखानेर जंक्शन गुजरात का जो स्टेशन कोड है वो है VKR और यहाँ पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकेगी और तकरीबन 226 किलोमीटर की दूरी जो है ये सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वेरावल से वनखानेर जंक्शन तक कवर कर चुकी होगी। वनखानेर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है थान स्टेशन में पहुंचेगी रात के 2:38 पे और 2:40 के करीब वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, 253 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है थान THAN। थान के बाद ये ट्रेन जो है सुरेंद्र नगर जंक्शन में रात के 3:20 पे पहुंचेगी और 3:21 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, 301 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है SUNR सुरेंद्रनगर जंक्शन का। सुरेंद्रनगर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन विरंगम जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 4:29 पे और 4:31 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 366 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी और विरंगम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है VG। इसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुंचेगी, जो कि इसका आखिरी स्टेशन है। यहां पर सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सुबह 5:40 पे पहुंचेगी और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेगी और यहां तक की जो दूरी है 432 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ सोमनाथ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाते रहो तो भी फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखें।